मारवाड़। मैं सीमा पांडे मारवाड़ी मिड टाउन शाखा कन्नड़ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश भर में चल रहे कोरोना वायरस की लॉकडाउन की स्थिति में श्री महावीर भगवान जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें कि मंदिर न जाते हुए आप घर में बैठकर भी महावीर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जिसमें हमने भजन कॉम्पिटिशन रखी है। अब आपके सामने भजन प्रस्तुत कर रही है अमृता चुड़ीवाल। मन से जो प्रभु गुणगान करेगा, खुद पे न कभी अभिमान करेगा, सबका ध्यान करेगा वो मान करेगा, सुख पाएगा। मन से जो प्रभु गुणगान करेगा, नर सेवा नारायण की सेवा, जिस जिसने भी ये जाना, मन में लगा के ज्ञान का दीपक, उसने सब जग पहचाना। वो माया से दूर वो रहते, मन से जो प्रभु नाम को बजते, कभी कड़वे जो वचन न कहते, उनका तो है सब खेल निराला। जो पिए प्रभु नाम का प्याला, लगा ले प्रभु से लगने, हो के मस्त मगन, तर जाएगा। मन से जो प्रभु गुणगान करेगा, खुद पे न कभी अभिमान करेगा, सबका मान करेगा, जो ध्यान करेगा सुख पाएगा। डांस की प्रस्तुति पेश करने आ रही है श्रामपुर से खुशी पाटनी। मेरा नाम है खुशी अनिल पाटनी। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आज के इस घड़ी में, आज के इस युग में हम सबको वर्तमान में वर्धमान भगवान की बहुत ज़रूरत है। हमें वर्तमान में वर्धमान भगवान जी के मूल्यों की बहुत ज़रूरत है, और हमें इसी बारे में कुछ जानकारी देने के लिए ईशान एक सुंदर सा स्पीच सुनाने वाला है। तो आइए हम सब उस स्पीच का आनंद लेते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं आपको महावीर भगवान के बारे में पोयम सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाइए, भगवान महावीर भगवान की महिमा न्यारी है। पाठशाला में जाकर हमने शिक्षा पाई है, पाठशाला में जाकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह पर बढ़ते जब हम तो प्रभु ने राह दिखाई है, भगवान महावीर की महिमा न्यारी है। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, पर पाठशाला में पढ़ना सिखाया, ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई है, भगवान महावीर की महिमा नारी है। सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं, मुक्ति चाहते हो तो जैन धर्म छोड़ना नहीं, न्याय नीति धर्म कर्म जियो और जीने दो का संदेश दिया है, भगवान महावीर की महिमा नारी है। सदा इन सिखों का पालन करके।
हम उन्हीं आदर्श का मान रखेंगे। यह आशीर्वाद उन्हीं के हैं। भगवान महावीर की महिमा नारी है, भगवान महावीर की महिमा नारी है, भगवान महावीर की महिमा नारी है। महावीर भगवान का क्या संदेश, जियो और जीने दो। आज की शाम बहुत ही खास शाम है। आज का दिन यानी चैत्र शुक्ल तेरस के दिन हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर जिनका नाम है कुंडलपुर जिनका धाम है, महावीर जिनका नाम है कुंडलपुर जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे त्रिशलानंदन को लाख प्रणाम हमारा है, लाख प्रणाम हमारा है। इसी के साथ अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है तन्वी जी पाटनी। जय जिनेन्द्र। किसी का दर्द खाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की वही है चैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये चैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये चैन होने का परिचय देते हैं। हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं, जहाँ भी काम करते हैं नीयत साफ रखते हैं, सबको हम अपना बनाए लेते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। किसी का दर्द खाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की वही है जैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। थैंक यू। सत्य अहिंसा धर्म हमारा नौकर हमारी शान है, सत्य अहिंसा धर्म हमारा नौकर हमारी शान है, महावीर जैसा नायक पाया जैन हमारी पहचान है। इसी के साथ अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है अहमदनगर से आयुषी कसलीवाल। I'm not afraid.
व्हाट्सएप पर मैं अपने दो विचार आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस उपेक्षित घड़ी को अपने प्रयासों से सटीक व मनोरंजक बना दिया है, क्योंकि आज जहाँ सारा जगत इस महामारी के लिए खेत-खिन हो रहा है वहाँ इस तरह का पॉजिटिव सोचना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि महावीर भगवान के जीवन में अनेकों सिद्धांत आए हैं, लेकिन उनके चरणानियों पर मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ श्रावक और मुनि का अलग अलग धर्म बताया हुआ है, श्रावक के खान पान की व्यवस्था बताई हुई है। आज जो भी परिस्थिति हम प्रकृति में विश्व में देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मानव ने अपने भोजन संबंधी अविवेक को वेदों संबंधी विवेक को ताक पर रख दिया है और वे पाश्चात्य देश के अन्नानुकरण में अपने आप को भगा रहा है। महावीर भगवान के सिद्धांतों को माने तो हमारे में ये संचित करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संचय करने की प्रवृत्ति जयंती कुछ नहीं हो सकती। हमें सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये समय घबराने का नहीं है, परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। आज ये परिस्थिति है तो कल बदलेगी भी, इसीलिए हमें प्रकृति के इस नियम को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सीमित व सुचारू रूप बना करके जीवन यापन करना चाहिए तथा देश की आज्ञा को शिरोधार्य रख करके ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि भले भविष्य में ये लॉकआउट खुल भी जाए तो भी हमें एक मर्यादा बना करके ही रखना है, क्योंकि भले ये लॉकआउट खुल जाएगा लेकिन बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। इसीलिए महावीर जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करने के लिए पुनः पुनः अनुरोध करती हूँ। और आप लोगों ने जो मुझे भगवान महावीर के बारे में दो शब्द कहने का मौका दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र, मैं पायल गंगवाल मारवाड़ी मिड टाउन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्पीच आशा कासलीवाल। महावीर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कहते हैं कि पूरा संसार नियमों से चलता है, मनुष्य जगत में भी अपने नियम होते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति के कणकण में भी अपने नियम है। पर आज के इस युग के देखते हुए हम सभी ने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है, तभी तो प्रकृति ने भी अपना जवाब दे दिया। आज युग में कोरोना वायरस को कारण महामारी छाई हुई है और हम सभी ने अपने अपने घर पे लॉक हो चुके हैं। यह ऐसा समय है कि जब पूरे विश्व को भगवान महावीर ने बताए हुए मार्ग पर चलने आवश्यकता है। ऐसे अंधकारमय समय में क्षितिज पर अहिंसा, सत्य, त्याग और दया की जो किरणें भगवान महावीर ने हमें बताई है, उन्होंने समाज का सारा अंधेरा निरोहित करके संयमता और संस्कृति के सूर्य की रक्षा की। भगवान महावीर का कहना था, आत्मा अकेला आती है, अकेले चली जाती है, ना कोई उसका साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है। अगर हम सभी इस विचार पर चले तो वो दिन दूर नहीं जब हम मोह माया छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल पड़े। आज के इस युग में हमें स्त्री शोषण और एसिड एटिक जैसी उदाहरण देखने मिल रही है। कुछ स्त्री और बालक को अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। भगवान महावीर के युग में स्त्री की समानता के प्रबल पक्षपति थे। स्त्री के समानता के दर्जा को देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री करुणा के वात्सल्य की प्रतिपूर्ति होती है, उसे हीन और उपेक्षित मानना अनुचित ही है बल्कि अहिंसा ही है। व्यवहार रूप में उन्होंने स्त्रियों को शूद्रों को अपने धर्म संघों में समान अवसर प्रदान करके विश्व के सन्मुख आदर्श प्रस्तुत किया। हम सभी भगवान महावीर की कही गई बात जियो और जीने दो सभी कहते। इस मार्ग पर चलने की कोशिश शायद ही कोई करता होगा। उन्होंने हर आदर्श को पहले जिया था किया और फिर कहा, कथनी और करनी में अंतर न होने के कारण ही अनुकरणीय आदर्श के रूप में अभिनंदनीय और वंदनीय हो गए। वर्तमान जय जिनेंद्र, आपका आंगन जहाँ नम होता है, आपका आंगन जहाँ नम होता है, गर्व का मानस आकर जहाँ पर कम होता है, कैसे न झुके सर इन महावीर प्रभु के चरणों में, जिनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है, सभी पापों का नाश होता है। मैं सारिका पांडे कन्नड़ मिडटाउन की ओर से अब बुलाना चाहती हूँ भजन प्रतियोगिता के लिए औरंगाबाद से सो निदिशा पहाड़े। हे वीर महावीर,
इस नन्ही सी बालिका की सुंदर प्रस्तुति देखने के बाद अब आपके सामने आ रही है छाया ठोले। रागी सर्वदशी बन गए स्वाधीन है, सर्वज्ञ होकर भी सदा आनंद रस में लीन है, निस्वार्थ हो जो जगत जन का कर रहे कल्याण है, इस वर्धमान जिनेश को नित वंदन शत शत बार है, इस वर्धमान जिनेश को नित शत शत वंदन बार है। मैं पायल चेतन पांडे मारवाड़ मिड टाउन कन्नड़ की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। अब हमारे सामने साक्षी बढ़ जाते भजन प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कोरोना जैसे महामारी से हर इंसान लड़ रहा है। जैनी भी इस महामारी से लड़ रहा है और हम इस महामारी से लड़ना जानते हैं, धीर रखना जानते हैं, क्योंकि हम भगवान महावीर की संतान हैं। और यही मैं आपको इस गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ। महावीर का पावन संदेश है यही, जियो और जीने दो। अब हमारे सामने दिया पाटोदी और हेतल पाटोदी ये डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छोटे से मोरिया की है कोई नजर उतारे, रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से मोरिया की है कोई नजर उतारे, ऐसे पल्ला झूले
कोई चांद को छू ले, ऐसे पल्ला झूले हो जैसे कोई चांद को छू ले। चीर बनता है, बात पते की है दोस्तों, कर्मों के काटने से महावीर बनता है, कर्मों के काटने से महावीर बनता है। जय जिनेंद्र, आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोमल जयकुमार जैन मारवाड़ी मिड टाउन कन्नड़ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब आपके सामने मनीषा चुड़ीवाल आंटी यह भजन प्रस्तुत करते है। न चाहो न जा न जा मेरी फरियाद सुन लो नेम जी प्यारे, आँखों में आंसू भर के तुम्हें राजल पुकारे। न चाहो न जा करुणा सागर करुणा करो, जाओ ना छोड़ के, जाओ ना छोड़ के, मझधार में है कश्ती नहीं मिलते किनारे, आंखों में आंसू भर के तुम्हें राजल पुकारे। न जाओ न जा सुख त्याग कर क्यों तप किया, योगी के वेश में है योगी के वेश में, दिल के ही दिल में रह गए मान हमारे, आंखों में आंसू भर के तुम्हें राजुल पुकारे। न जा हो न जा मेरी फरियाद सुन लो नेम जी प्यारे, आंखों में आंसू भर के तुम्हें राजुल पुकारे। अंधियारे इस जीवन में ज्ञान का एक प्रकाश दिया, जीवन जगत श्रावक चर्या का जन जन को संदेश दिया। अब धर्म की परिभाषा हमें बताने आ रहे हैं औरंगाबाद से प्रतीक दगड़े। सभी को जय जिनेंद्र, आने वाली महावीर जयंती का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रतीक सुभाष दगड़े है, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। मेरा यह मानना है कि वर्तमान को वर्धमान की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के विचार आज के आधुनिक दुनिया में भी उतने ही लाभदायक है जो उस वक्त कहे गए थे। आज पूरा संसार पूरी दुनिया कोरोना नामक आग में जल रहा है। आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए बम अणुबम वायरस जैसी भयानक बीमारियां निर्माण कर रहा है। इसी वक्त हमें शांति और अहिंसा की नितांत आवश्यकता है, और इसी का उपदेश भगवान महावीर ने दिया है। भगवान महावीर स्वामी ने जीने के उपाय बताए हैं जो आज की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग है। भगवान महावीर स्वामी बताते हैं कि घृणा का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, जियो और जीने दो। आज उसी की हमें नितांत आवश्यकता है, हम खुद भी जिए और लोगों को भी जीने की सहायता करें। आखिरी में मैं रविंद्र जैन जी की भजन की कुछ पंक्तियां गाना चाहूँगा।
हिंसा की बादल छाए संसार पर, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में ओढ़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पतबूलों को समझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह को महावीर तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आइए इस 2020 की महावीर जयंती को, डिजिटल महावीर जयंती को हम यादगार मनाते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय जिनेंद्र।